मौजूद है हमारे साथ एमएलए अमीन पटेल जी, जो कि पिछले 10 साल से मुंबा देवी पर राज कर रहे हैं। हो सकता है इनकी हैट्रिक भी हो सकती है, आने वाली जनता क्या फैसला करी देखेंगे। लेकिन एमएलए अमीन पटेल जी, कहीं ना कहीं देखा गया है कि इलीगल सेक्शन आपके एरिया में बहुत हो रहा है। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया, जवाब मांगा बीएमसी के, कि 4 हफ्तों के अंदर जवाब दें। 5 बिल्डिंग का नाम गया है जो कि इलीगल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है। वहीं पिछले 2017 में और 2019 में बिल्डिंग गिरी, 50 लोगों की मौत हो गई। आपने देखा हुसैनी बिल्डिंग और कैसरबाई बिल्डिंग जो गिरी, कहीं ना कहीं क्या आपको ये सब पता होता है इलीगल कंस्ट्रक्शन का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा इशू मेरे सामने लाया है। मगर आपने जो एक बात की कि मैं 10 साल से मुंबा देवी पे राज करता हूँ, वो बात सही नहीं है। मैं कई सालों से लोगों की खिदमत करता हूँ, लोगों का काम करता हूँ, लोगों की सेवा करता हूँ। मेरे दिल में कभी भी पॉलिटिक्स राज करने वाला चीज़ नहीं है। रही इल्लीगल की बात, मैंने असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर हर बार मैंने इल्लीगल स्ट्रक्चर का विरोध किया है। ये जो बी वार्ड के अंदर जो बिल्डिंग से बनती है, जो इल्लीगल बिल्डिंग बनती है, उसके लिए उसकी पूरी जिम्मेदारी जो है वो मुंबई महानगर पालिका के ऑफिसर्स की है। और मैंने मुंबई महानगर पालिका के वार्ड ऑफिसर हो या एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर और टाइम पे कमिश्नर को मैंने बताया है कि ये इल्लीगल काम चलता है, ये नेक्सस है, इसको रोकना चाहिए। क्योंकि आज ये बिल्डिंगें बन रही हैं, लोग सस्ते में घर ले रहे हैं। अमीन जी, जो इल्लीगल सेक्शन बनता है, क्योंकि ये आपके क्षेत्र में ही है, आपके वार्ड में आता है, तो आपको पता होता है, ये पता रहता है, ये आपको पता नहीं है? इसमें जो बिल्डिंग है आप देखे हो, जो 5 बिल्डिंग जो हाईकोर्ट ने भी जो बताई है, वो बिल्डिंग कोलाबा में भी है। बी वार्ड लोग समझते कि पूरा मेरे असेंबली में आता है, ऐसी बात नहीं है। बी वार्ड सी वार्ड इसके अंदर बी वार्ड और सी वार्ड का बहुत कम हिस्सा जो इस तरफ का है, दो वार्ड नंबर 224 का है, वो मेरे में आता है। मैं बहुत सारा हिस्सा कोलाबा असेंबली में भी जाता है। मगर असेंबली कोई भी हो, इलीगल जो काम होता है, अगर मुझको पहले दिन अगर टेनेंट आके बोलेंगे कि हमारी बिल्डिंग में इलीगल का काम होता है, मैं आपके व्यूअर्स को और पूरे बम्बई के लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर मेरे टेबल पे किसी ने भी आके अगर शिकायत की कि हमारे बिल्डिंग में इलीगल काम हो रहा है, मैं उसको फ़ौरन रुकवाऊंगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कुछ दिन पहले मैं इंडिया से बाहर था, मुझको एक लेडी का फ़ोन आया कि मेरे यहाँ कुछ लोखंड का काम, लोखंड के गडर आए हैं और 2-3 दिन की छुट्टी होने वाली है और यहाँ इलीगल काम होने वाला है। मैंने डोंगरी के सीनियर इंस्पेक्टर संदीप जी को फ़ोन किया और मैंने उनसे कहा, बोले साहब अभी काम चालू नहीं हुआ है। तो मैं नाम लेके कह रहा हूँ, मैंने डोंगरी के सीनियर को फ़ोन करके बोला कि अगर वहाँ पे किसी ने एक ईड भी रखी तो मैं खुद कोर्ट में जाकर कहूँगा कि यह इलीगल काम हो रहा है। अगर हमारे पास लोग आएंगे और बोलेंगे कि इलीगल काम हो रहा है तो डेफिनेटली उसको रोका जाएगा। रोका है, जहाँ जहाँ हमारे सामने लोगों ने आके बोला है और रोका है। और ये आपके माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि काम हो रहा था, कुछ दिन पहले की बात है, मेरे इंडिया में नए रहने के बावजूद मैंने उस काम को रुकवा दिया। लेकिन जनता कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपसे नाराज हो जाता है इस चीज़ को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आज किसी को भी अगर कोई मेरे पास कंप्लेंट आती है, राइटिंग में कंप्लेंट आती है या वर्बल कंप्लेंट आती है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। सर, माल बनता भी और बिक भी जाता है। हाँ, यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि माडा और बीएमसी मिलके माल बनाती है, उसको सपोर्ट करती है इलीगल कंस्ट्रक्शन को, और कोर्ट भी आजकल उसको जो है ऑर्डर्स पास कर रही है। हम इलीगल कंस्ट्रक्शन के एकदम विरोध में, हम नहीं, क्योंकि मैं ये जानता हूँ कि ये जो इलीगल बिल्डिंग आज बन रही है, आज से 2 साल 5 साल 10 साल बाद जब ये इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आएगा, क्रैक डेवलपेंगे, गिरेंगी, तो बहुत लोगों की जान जा सकती है। ये लोगों की जान से खेल रहे हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शन पे 101% रोक लगना चाहिए और उसका सबसे बड़ा समर्थक मैं हूँ। मैं कभी भी अपनी लाइफ में ना ही इलीगल कंस्ट्रक्शन को सपोर्ट किया हूँ। लेकिन अमीन जी, आप जैसे कहा कि मैं विरोध करता हूँ उसका, लेकिन कहीं एक खबर ऐसी आई थी कि कुछ आप मोर्चा लेके गए थे वी वार्ड में, गांधी कोई वार्ड ऑफिसर थे, तो बताइए क्या पता ही चला खबर से कि वो इलीगल बिल्डिंग के सपोर्ट में आप गए थे? मैं कभी भी कोई भी इलीगल बिल्डिंग के सपोर्ट में मोर्चा लेके जाऊंगा नहीं, ना ही कभी इलीगल बिल्डिंग को सपोर्ट करूंगा। ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर अभी जैसे एक बिल्डिंग है यहाँ पर गाठी गली में, उसको डिमोलिशन का ऑर्डर आया है, वो बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में, तो मैं उसको सपोर्ट किया कि जब बिल्डिंग अच्छी कंडीशन में तो उसको ITI के बाद भेज के इसका अप्रूवल लो, अगर बिल्डिंग अच्छी है तो कोर्ट को जाके बताइए कि भाई बिल्डिंग साउंड है और इसको डिमोलिशन करने की ज़रूरत नहीं है। गांधी हो के शिरूडकर, मैंने शिरूडकर को खुद बोला, मैंने म्युनिसिपल कमिश्नर को खुद बोला है, शिरूडकर जब यहाँ पे एसोसिएशन कमिश्नर थे, जब मैंने खुद बोला है कि आपके टेन्योर में बहुत ज़्यादा इलीगल बिल्डिंगें बनती है, इस पर रोक लगाइए और एक्शन लीजिए। और ये बीएमसी का काम है, पुलिस का काम है एक्शन लेना, मेरे पास कोई
अपनी फौज तो आपको पता होता है क्योंकि कुछ भी होता है आपको तो खबर आती होगी कि इलीगल स्ट्रक्चर बन रहा है, रिपेयर के नाम पे दो माला खड़े हो जाता है। नहीं देखिए, बनता है तो पता नहीं चलता, पर्दा बांध के बना उस मॉडस ऑपरेंटी सबको पता है, मगर बनने के वक्त अगर कोई, मैं बार बार आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर इलीगल काम शुरू होता है, एक टेनेंट भी अगर आके मुझको कहेगा कि साहब मेरी बिल्डिंग में इलीगल काम हो रहा है, मैं आपको राइटिंग में लिख के देता हूँ कि वहाँ इलीगल काम होगा नहीं। टेनेंट का अगर सपोर्ट नहीं होगा, टेनेंट पहले से बन जाने के बाद में आके लोग बोलेंगे कि बिल्डिंग बन गई, इसका कोई स्टे आ गया है, बीएमसी ने उसको सपोर्ट कर दी, हम नहीं कर सकते। मगर आपके द्वारा में आपके तमाम व्यूवर्स को, बी वार्ड, सी वार्ड, डी वार्ड, ई वार्ड, कहीं पर भी मुंबई के अंदर, वो मुंबा देवी हो, कोलाबा हो, के मलबार हिल हो, के भाई का लो, कहीं पर भी अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता है और हमारे पास उसकी कंप्लेंट आएंगी तो हम बीएमसी को उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देंगे। आपके बाजू में कई हजार करोड़ का प्रोजेक्ट चालू है एसबीयूटी, उसमें 6 की एफएसआई दी जा रही है, इसमें जनता नाराज है, उनको फायदा नहीं मिल पा रहा है, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, जैसे आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात की, हमारे एरिया के अंदर सब बिल्डिंग 100 साल पुरानी है और इसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। अगर जब तक रीडेवलपमेंट होगा नहीं, हमको ओपन जगह ही नहीं मिलेंगी, बड़े रोड नहीं मिलेंगे, पार्किंग का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये एसबीयूटी के प्रोग्राम को मैं दो नज़र से देखता हूँ। एक मेरी नज़र ये है कि क्लस्टर रीडेवलपमेंट होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। क्लस्टर रीडेवलपमेंट के अलावा दक्षिण मुंबई के अंदर कोई सोल्यूशन ही नहीं है। आज एक एक बिल्डिंग बन जाती है 22 माले की, उसके अंदर 150 घर के अंदर 300 बाइक रास्ते पे खड़ी हो जाती है, तो ना एम्बुलेंस जा पाती है। अब दो बिल्डिंग नागपड़ा पे, एक आफिया हाइट और स्टर्लिंग हाइट, आमने सामने दो बिल्डिंगें बनी है 22 23, वो चर्चों में दोनों बिल्डिंग 22 माले की 23 माले की दो बिल्डिंग है। अब आप रात को वहाँ जाओ तो लोग जब घर आ जाते हैं 10:30 11 बजे के बाद, तो बाइक तो लोग रास्ते में लगाएंगे। आपने अच्छा बात, पार्किंग को लेकर भी लोग नाराज है क्योंकि आपका जो एरिया डबल पार्किंग होती है, इससे पहले भी आपसे बात हुई थी पार्किंग को लेकर, तो पार्किंग बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो इसके लिए आपने अब तक क्या क्या प्रिकॉशन आपने लिया है? क्लस्टर डेवलपमेंट की आपका जो सवाल है, मैं एक एक सवाल आप, क्योंकि आपका जो है सीधी बात नो बकवास, तो मैं जो है सीधी बात ही करना चाहता हूँ। तो क्लस्टर रीडेवलपमेंट एक ही ऑल्टरनेटिव है, और ये एसबीयूटी का जो क्लस्टर रीडेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ लोगों, पहला हमने देखा है कि किस तरह से लोग रहते थे, छोटे छोटे घर थे, अब उनको 350 फुट के घर मिलेंगे, अटैच टॉयलेट बात मिलेगा, ओपन स्पेस की जगह मिलेंगी वो अपनी, मगर वहाँ पर जो लोगों को जूनियन प्रॉब्लम है, आज भी मेरे पास जो जूनियन प्रॉब्लम लोग आते हैं, मस्जिद का मसला था, मई थे, मोइन मियाँ थे, खालिद बाबू कुरेशी थे और बहुत सारे लोग गए थे, दरगाहों का मसला था उसमें भी हम गए थे, जहाँ लोगों के साथ में नाइंसाफी होगी वहाँ आप मुझको खड़ा पाओगे। मगर मेरा ये खुद का मानना है कि क्लस्टर रिडेवलपमेंट होना चाहिए ताकि पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि ओपन स्पेस का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ताकि लोगों को बड़े घर मिल सके। जहाँ तक आप पार्किंग की, दूसरा सवाल आपका पार्किंग का है, तो आमिर साहब ऐसा है कि अगर आज सब नौजवान हैं, 50% से ऊपर जो लोग हैं वो नौजवान हमारे इलाके में रहते हैं और मोटर बाइक्स रहेंगी उनके पास, तो आज मेरी भी उनसे रिक्वेस्ट रहती है। अब मैं उनको ये नहीं कह सकता हूँ कि आप गाड़ी इधर मत लगाओ, वो जो बिल्डिंग में रहेंगे, घर में रहेंगे, गाड़ी नीचे लगाएंगे। पार्किंग के लिए हमारे यहाँ टावर्स नहीं है, खास करके आप बी वार्ड और सी वार्ड और डी वार्ड में देखोगे, इस तरफ जो हमारा है यहाँ पे कोई पार्किंग के टावर्स नहीं है। तो आज ये जब क्लस्टर डेवलपमेंट होगा तो ही पार्किंग का प्रॉब्लम सॉल्व होगा, रास्ता छोटा है, जगह उतनी है। तो मेरी लोगों से, खास करके मेरे नौजवान साथियों से रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गाड़ी पार्क करते हो तो ऐसा पार्क करो कि लोगों को तकलीफ ना हो। एमएलए वारिस पठान ने 1400 पार्किंग दिलाई रहेजा में, ऐसा कुछ प्रोजेक्ट आपका? देखिए, वारिस पठान मेरे दोस्त है, रहेजा का जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट 8-9 साल पहले शुरू हुआ था और वो 3324 का प्रोजेक्ट है। 3324 का मतलब ही ये होता है कि पार्किंग के लिए वहाँ पे एमएलए वारिस पठान ने नहीं करा, 8 साल पहले की बात है। तो नहीं, रायजा का प्रोजेक्ट तो बहुत पहले ही आया था, वारिस ने लगातार बार बार उस पार्किंग को हैंड ओवर करने के लिए बोला था। आज जैसे सिटी सेंटर है, उसकी पार्किंग थी वो भी हैंड ओवर हो गई है। आज हमारे यहाँ पर इस तरफ जो बी वॉट की आपको जो बहुत गुंजान आबादी है उसकी बात करते हो, वहाँ पे कोई भी डेवलपर ने 3324 का प्रोजेक्ट किया नहीं है। अगर 3324 का प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे पार्किंग डंकन रोड पे हो रहा है, वहाँ पर आएगी तो वहाँ पे पार्किंग मिल जाएंगी। तो ये जो 3324 के जो पार्किंग के प्रोजेक्ट होते हैं जिसमें बिल्डर को एक्स्ट्रा एफएसआई मिलती है, बिल्डर करोड़ों रुपया कमाता है
प्रोजेक्ट के अंदर रायजा ने जो अगर 3324 लिया है या अभी पिरामल ने 3324 का प्रोजेक्ट रानीबाग के पास लिया है तो पार्किंग तो लोगों को मिलेगी मगर बिल्डर को उसके अगेंस्ट में एफएमडी मोहम्मद रोड को कभी इससे निजात मिलेगा इस पार्किंग के? अगर 3324 का कोई प्रोजेक्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ के लोगों को भी निजात मिलेंगी और पार्किंग से आराम मिलेगा। मगर आज के दौर में लोग जो देख रहे कि वहाँ नीचे पार्किंग करने से 10,000 रुपया फाइन, में उसके खिलाफ हूँ। लोगों को इतना बड़ा फाइन लगाना नहीं चाहिए। अगर एक गाड़ी को गलती से इमरजेंसी में पार्क करके आया था और उसको बीएमसी 5,000 और 10,000 रुपया फाइन करेगी वो भी बराबर नहीं है। मगर पार्किंग टावर्स वो 3324 में हो या अंडरग्राउंड पार्किंग में हो, ये प्रोजेक्ट इस एरिया के लिए ज़रूरी है। इलेक्शन आता है अमीन जी, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, मैं ऐसा करूँगा वो करूँगा मुझे वोट दो, ये पॉलिटिशियन का कहना होता है। खैर आईटी कॉलेज अब्दुल रहमान आईटी कॉलेज वो बंद पड़ी है, कब चालू होगी? देखिए पहली बात तो मैं कोई भी इलेक्शन में वादा करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जिस दिन से इलेक्शन जीतता हूँ उसी दिन से काम करता हूँ। आपने देखा होगा आमिर भाई कि कभी भी 365 दिन हम लोग पब्लिक के बीच में अवेलेबल है। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि आईटीआई कॉलेज हाजी अब्दुल रहमान शाह आईटीआई कॉलेज, ये कांग्रेस के वक्त इसकी बिल्डिंग का काम शुरू हुआ था और अनुमान था कि 3 साल के अंदर ये बिल्डिंग गवर्नमेंट कंप्लीट कर देगी। आज आईटीआई की बिल्डिंग के लिए प्रॉब्लम आया है और मेरी अभी मीटिंग हुई थी कुछ महीने पहले, मीटिंग रेगुलर होती रहती है, सेक्रेटरी से मीटिंग होती रहती है, पीडब्ल्यूडी से मीटिंग होती है। उस टेंडर क्लॉज के अंदर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा था। आज बिल्डिंग का तकरीबन 85% काम पूरा हो चुका है। इस जून के अंदर वहाँ पे बच्चे पढ़ेंगे। मगर मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके द्वारा लोगों को बताना चाहता हूँ कि आईटीआई कॉलेज चालू है, बच्चे पढ़ रहे। एल्फिंस्टन कॉलेज के अंदर हर साल, मेरे पास एक ऑफिशियल डेटा है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको देना भी चाहता हूँ, मुझको पता था आज आप यहाँ आ रहे हो तो ये सवाल मुझसे ज़रूर करोगे। ये 5 साल का डेटा है, गवर्नमेंट का डेटा है, आपने तैयारी करके रखी थी, मुझको पता था कि आप मुझसे सवाल ज़रूर पूछेंगे। ये तो ये डेटा है, आप देखिए कि इसमें हर साल 15-16 के अंदर कितने बच्चे, 174 बच्चे 95% ऑक्यूपेंसी, 16-17 के अंदर 197 बच्चे 100% ऑक्यूपेंसी। तो ये हाजी अब्दुल रहमान शाह बावा आईटीआई का पिछले 5 साल में तकरीबन 885 बच्चों ने यहाँ से डिप्लोमा कर चुके। वो बिल्डिंग तैयार नहीं है मगर कॉलेज शुरू है, लोगों को हर साल डिप्लोमा मिल रहा है। तकरीबन हर साल 197 बच्चे जो है उस आईटीआई से पढ़ गए। कन्फ्यूजन दूर हो गया लोगों का। ये कागज है, ये ऑफिशियल कागज है, ये मैं आपको दे रहा हूँ दिखाने के लिए कि ये गवर्नमेंट का स्टैम्प वाला कागज है कि तकरीबन 5 साल में इस आईटीआई कॉलेज के माध्यम से अलग अलग कोर्सेज है, 1, 2, 3, 4, 5, 7 कोर्स, 6 कोर्स चलते हैं, 6 कोर्स के अंदर हर साल 197 बच्चे का इसका इंटेक्ट है, जो 50% माइनॉरिटी के बच्चे हैं और 50% नॉन माइनॉरिटी के बच्चे। इसमें बौद्ध भी है, क्रिश्चियन भी है, सिख भी है, जैन भी है, पारसी भी है, नॉन मुस्लिम बच्चे भी है, तकरीबन पढ़ रहे। तो इस कॉलेज जो हमने शुरू किया था वो एल्फिंस्टन कॉलेज मेट्रो थिएटर के पास में चलता है, बच्चों को ट्रेनिंग हो रही है। मगर अब कॉन्ट्रैक्टर चेंज कर दिया है गवर्नमेंट ने, इस जून के अंदर इस ये बच्चे जो अभी एडमिशन लेंगे वो वहाँ पर आके पढ़ेंगे। काउंटडाउन बिगिन हो गया एमएलए इलेक्शन का, अभी थे हमारे साथ अमीन पटेल जी बात करने के लिए। ये तो आने वाला अभी वक्त बताया कि वाकई में आप हैट्रिक मारते हैं या नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आमिर भाई, ऐसा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप मेरी बात लोगों तक लेकर गए, मगर लोग जानते हैं।